आज थोड़ा सा नेट मेरे ख्याल से वीक चल रहा है, और मे बी इंस्टा थोड़ा सा वीक चल रहा है मेरे ख्याल से। क्या इंस्टा थोड़ा सर हमें सही दिख रहा रही? तो आशीष को अगर सही दिख रही है तो इट मीन्स पुष्कर तुम्हारी तरफ से थोड़ा सा कुछ तो नेट का थोड़ा सा इशू ना हो, बिकॉज यहाँ से सबको नज़र आ रहा है। सबको नज़र आ रहा है क्या? एवरीवन इज एबल टू वॉच अस इजली? हमको नजर आ रहे हो तुम सारे? क्या सीन है? और सारे बता देंगे कि क्या मुझे भी दोनों दिख रहे थे। ठीक है ठीक है। सो इट मीन्स वी आर विजिबल टू बोथ, वी आर विजिबल टू बोथ। मे बी पुष्कर तुमको अभी भी नजर नहीं आ रहा मैं? तो हाँ जी, आपकी स्क्रीन ब्लैक आ रही, वैसे सुन रहे हैं, मुझे ठीक आवाज आ है रही है। ठीक है, तो हम ऐसी बात ठीक करेंगे, ठीक बिकॉज कोई सबको नहीं। नजर आ रहा है, हाँ जी सबको हाँ आ रहा है। तुम्हारी तरफ से जी, कोई इशू है मेरे ख्याल से? तुम्हारे फोन में या किसी में इशू है? बट अदरवाइज एवरीथिंग इज विजिबल टू एवरी, सबको ठीक विजिबल है। ठीक ठीक है, हाँ जी हाँ जी। सो थोड़ा सा हम दोबारा बात करेंगे। जो सा पुष्कर है, पुष्कर अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, अपने बारे में थोड़ा सा। यस हाँ जी सर, लुधियाना से हूँ। बेसिकली होजरी बिजनेस है मेरा, तो अपने डैड के साथ ही होता हूँ मैं। अच्छा तो 30 इयर्स की एज है, और जिम का शौक तो मेरे को था ही, शुरू से ही है। हाँ तो अभी 7 8 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे पिछला, और 1 साल से मैंने टीम ज्वाइन की हुई है। तो बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत बहुत है। कुछ है, बहुत कुछ है बताने के लिए पुष्कर के हाँ बाद। अभी पूछते हैं सारा का सारा पुष्कर से। पुष्कर तो मैं यही चीज पूछने की कोशिश कर रहा था तुमसे कि जिसको 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, किसी को हाँ जी भी हाँ जी 8 से 10 साल का जो सा एक्सपीरियंस हो जाता है, उस 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर उसके ऊपर ना एक बोझ होता है, बहुत बड़ा बोझ होता है। ये बिल्कुल मेरे मेरे को तो सब पता सब पता है, ऐसे ही है। है मेरे को और सब पता हाँ, है। चाहे वो लेमैन है, चाहे वो ट्रेनर है, मतलब कोई भी है, उनको ऐसे लगता है कि जो मुझे पता है बस वो ही लिमिटेड नॉलेज जो उनके पास है वो ही हाँ है, कि यार यही ठीक है, हाँ यही सच है। हाँ तो क्योंकि बाहर निकल के एक्सप्लोर नहीं कर पाते। करेक्ट, तो वो वाला फेस तुम्हारे पास भी था, क्योंकि 8 साल का, 10 साल का बिल्कुल एक्सपीरियंस था, तो तुमने कैसे अटेंड कर लिया इतनी आसानी से टीम अंदर को? क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस था मेरे पास, और जो नॉलेज जितनी सी थी मेरे पास, उसमें से अरे तो रिजल्ट आ नहीं रहे थे, कि हाँ कि उसमें से मतलब कुछ वो वैल्यूएबल निकल नहीं रहा था। बस हाँ जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, यही वो हाँ रेगुलर सा था, रूटीन नहीं बन रही, एनर्जी नहीं फील हो रही। कुछ हाँ ये भी है कि 25 22 की एज के बाद थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, कि यार हाँ अपना तो जो जितनी नॉलेज थी अपने पास वो रिजल्ट आ नहीं रहे थे। बाकी मैंने आपका पेज फॉलो किया हुआ था, हाँ वहां पे 50 साल के बंदे भी आ रहे हैं, हाँ 40 साल के भी आ रहे हैं, 30 साल के भी आ रहे हैं। तो हाँ मेरे को था कि यही है जो है, अब तो यही इसको ज्वाइन करके यही कुछ पता लगेगा, क्यों क्यों रुका हुआ है यहाँ पे, प्रोसेस जो है क्यों नहीं वाह, आगे बढ़ पा रहे। तो फिर फॉलो मैंने किया होता इंस्टा पे, मैंने कजन से बात की अपने, तो कहता कर ले, गो फॉर इट। तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था उसके बाद। वेरी गुड। सो तुमने पुष्कर इससे पहले कभी कोई ट्रेनिंग ली है? नहीं, इससे पहले एज सच मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली। 2014 15 के अराउंड मैंने ली थी एक ट्रेन, मतलब थे मेरे ट्रेनर थे अच्छे, तो वही प्रोसेस, मतलब वो यही है कि बताते थे, बढ़िया थे वो, कोई ऐसा नहीं है। वो यही है कि वो चले गए, फिर जिम चेंज हो गया उनका, तो फिर उनको उसके बाद मेरे को किसी पे भरोसा, मतलब वैसे आया नहीं कि इनसे ले लूं मैं ट्रेनिंग या इनसे ले लूं। वैसे एक्सरसाइज पूछ लेता था कि ये लगा ली मैंने, अब कौन सी लगाऊं, या अब कौन सी लगाऊं, वो चीज हो जाती थी। बट ये नहीं था कि मैं कुछ पर्सनल ट्रेनिंग एक्चुअली ले रहा हूँ, डाइट पूछ रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, वो नहीं था मैंने कभी अच्छा, की। तो इट मींस खाली मोस्ट ऑफ द टाइम तुमने एक ऑफलाइन ट्रेनिंग ली, और उसके बाद फिर सीधा तुम टीम बस अमेंदर के साथ जुड़ सीधा गए। ऑनलाइन। हाँ जी हाँ वाह, जी हाँ जी हाँ जी। सो और इतनी इसका जल्दी, एक क्योंकि ना। और, हाँ बोलो 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 हाँ बोलो जी, बोलो बोलो। इसका एक और था कि अभी रिसेंटली 1 साल पहले जब मैं जा रहा था जिम, जैसे तो नर्व एंडस निकले हुए थे मेरे, तो मैं एक ट्रेनर से पूछ रहा था कि मतलब एक्सरसाइज पूछ लेता था, लगा लेता था, पूछ लेता था, लगा लेता था। फिर मैंने 1.5 2 महीने बाद, उसको भी एक्सपेक्टेशन होगी कि ये मेरे से पीटी लेगा, हाँ
मैंने ऐसे ही इशारा किया, मैं क्या भाई मतलब लव एंड लव नहीं जा रहे, इनका कुछ बताओ, कि वो ही मेरे को था स्पोर्ट डिडक्शन, तो हाँ करेक्ट कंसेप्ट पता ही नहीं था कि वो करेक्ट नहीं हो सकती वो, तो है। हाँ मैंने फिर भी पूछ लिया उनको कि इसका कुछ हाँ करो ये हाँ बताओ, वो मेरे को हाँ ऐसे इशारे करने लग गया। अच्छा ओके पहले तो मैं समझा नहीं कि ये कहना क्या चाह रहा है, तो फिर मेरे को बाद में पता चल करता लगेंगे पैसे लगेंगे सब ठीक हो जाएगा, हाँ मतलब करवा देंगे, मतलब कि मेरे से पीटी ले। तो हाँ तब तक मैं डाउट में था कि ऑनलाइन ट्रेनिंग लूं या ना लूं मैं, और उसके हाँ इशारे के बाद फिर मैंने सोच लिया, मैं क्या लूंगा तो सही पर तेरे पास नहीं किसी और के पास नहीं है कि तेरा मेरे को मैसेज तो पता चल गया, अब ये तो लगना ही है, बट तेरे पे नहीं लगाऊंगा कहीं और लगाऊंगा मैं। तो लोगों को ना पुष्कर थोड़ा सा ये भी डाउट रहता है कि ऑनलाइन के अंदर कैसे कराएंगे, और ऑनलाइन है एक ना एक हवा है बेसिकली नाउ, और उसका हवा रीजन भी बहुत जेन्युइन है सबका, क्योंकि बहुत सारे जनों ने ऑनलाइन लेने के बाद पैसे खराब कर लिए हैं, लोगों ने पैसे रख लिए, ट्रेनिंग नहीं कराई, धोखा दे दिया, पैसे मार लिए, नहीं बहुत नहीं सारे ऐसे भी किस्से आए हैं। नहीं टीम अमिंदर के साथ तो ऐसा कोई सीन नहीं है, वो तो मतलब आप अपने आप को समर्पित कर दो उनको, वो जैसे कह रहे हैं वैसे चलो, तो रिजल्ट तो मैं कहता हूँ पहले हफ्ते से ही फॉलो मतलब करेंगे आपको, कि रिजल्ट तो आने ही आने हैं, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं, मतलब कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है, आपका खर्चा नहीं है इसमें, होम बेस्ड डाइट है और रेगुलर फॉलो अप लेते हैं, और जो वीडियोस हम बना के भेजते हैं डेली बेसिस पे, मतलब 1 साल हो गया मैं डेली बेसिस पे हमने वीडियोस बना के भेजी हैं, अगर 6 एक्सरसाइज है तो 6 वीडियोस जाएंगी, अगर 4 भी जाएंगी है 4 भी भेजते हैं तो टीम मेंटर हमसे पूछेगा कि बाकी की 2 वीडियोस क्यों नहीं आई, मतलब आपने लगाई, मैं ये समझूंगा कि आपने लगाई नहीं, चाहे आपने लगाई है एक्सरसाइज, कि मैं तो यही समझूंगा कि वीडियो नहीं आई तो मतलब आपने नहीं लगाई, आपने मिस किया वर्कआउट, अच्छा तो तो पुष्कर इस लेवल की डेडिकेशन है मेंटर्स की। ऑसम, तो पुष्कर तुम्हारे पास ना दो चीजों का एक्सपीरियंस है, एक ऑफलाइन का तुम्हारे पास एक ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, और एक ऑनलाइन का एक्सपीरियंस है दोनों का, हाँ क्या जी तो दोनों के बीच में तुम क्या फर्क बताते हो सभी को, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम ऑनलाइन अगर ले रहे हैं ना तो ऑनलाइन का मतलब है कि हम ऑफलाइन से तो आधे पैसे में हमको करना चाहिए, हमारे उनके साथ कोई लिंक ही नहीं है, हम तो ऑनलाइन में है तो नहीं आप इतने सारे क्यों लेते हो, तो तुम बताओ तुमको क्या डिफरेंस लगा। ऑफलाइन में तो सर वो सिखाएंगे नहीं आपको, ऑफलाइन में तो ऐसे कि वो आपको सिखाएंगे नहीं, करवाएंगे लगाएंगे ठीक है, फॉलो अप इतना लेते भी होंगे, कहीं लेते भी होंगे, बट मेरी नॉलेज में जितने मैंने देखे हैं वो तो नहीं ले रहे, और पोस्चर नहीं सही करवा रहे, ये तो मैं आप पहले मेरे को नहीं पता चलता था, बट टीम ज्वाइन करने के बाद अब मेरे को देख के पता चल जाता है कि ये भाई बंदा सही नहीं लगवा रहा है, कि ये तो मतलब 50 साल का बंदा पीटी ले रहा है और उसकी राउंडेड बैक है ये, वो मेरे को देख के कुछ होता है कि यार मैं क्या बोलूं अब इनको, कि नहीं तो बंदे को कभी ये कैसे हो सकता है, मतलब कि तुम मेरे को बताओ कि ऑफलाइन के अंदर जो सबको भी लगता था कि वो सामने पर्सनल ट्रेनर खड़े होके एक्सरसाइज करा रहा है, और तुम ये बोल रहे हो कि वो पर्सनल ट्रेनर खड़े होके सिखाएगा नहीं, हम ऑनलाइन में सिखाएंगे। हाँ नहीं वो सीख जाओगे आप, क्योंकि ऑनलाइन में आप जब वीडियोस बना के भेजोगे तो एक तरह से वो आपका मिरर है, आप अपने आप को मिरर में दोबारा देखोगे, और आपके जो टीम मेंटर्स हैं वो आपको आपकी गलतियां बताएंगे कि ये गलतियां आपने की है, ये एंगल आपका गलत है, ये ऐसे रखो, ये स्ट्रेट होनी चाहिए, वो सब चीजें आपको बताएंगे, वो एक इट्स लाइक अ मिरर, कि आप अपने आप को मिरर में देख रहे हो जब आप वीडियोस बना के भेज रहे हो, और वो जो गलतियां हैं वो जो गलतियां बताते हैं हमें मेंटर्स, तो वहां से एक नॉलेज मिलती है, अगली बार वो गलतियां दिमाग में होती हैं कि ये वाली नहीं करनी हमने, तो वैसे बंदा सीखने लग जाता है, तो फिर ऑफलाइन में तो ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती उसमें, एक तो बार तुमको एक्सरसाइज लगता है लगानी पुष्कर, आ गई। तुमको हाँ पुष्कर जी अब लगता है कि तुम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो? बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो सर, अब मैंने 1 साल से तो किसी की हेल्प भी नहीं ली, मैं वेट कम उठा लूंगा बट हेल्पफुल वाला सीन नहीं है, कि ठीक है मतलब पूरा पंप आता है बॉडी में, पूरा एक्सरसाइज लगती हैवी वेट भी उठाया मैंने बीच में, अभी थोड़ा था कि शोल्डर मेरा थोड़ा सा झटका झुटका टाइप लग गया था, तो अभी थोड़ा लाइट वेट पे हूँ, यही अगर ट्रेनिंग नहीं ले रहा था तो मैं 3 महीने की छुट्टी पे था, इतनी सी पेन पे मैंने 3 महीने की छुट्टी ले लेनी थी, कि पेन तो ठीक नहीं हो रही, पेन तो ठीक नहीं हो रही,
बट अभी यही है कि अभी वर्कआउट नहीं मिस हुआ, ऑसम। चाहे पेन है चाहे, हाँ उस एंगल से हमने एक्सरसाइज लगाई है कि तो ये वर्कआउट नहीं मिस यहाँ करने पे, देना। यहाँ पे बिट्टू कुमार यहाँ पे है, ये लिख रहे हैं, तो सर ऑनलाइन बेटर हुआ क्या, कहते हो बदल, ऑनलाइन बेटर हुआ ऑनलाइन कि नहीं बहुत बेटर, ऑनलाइन तो बहुत बेटर हुआ, ये ऑनलाइन? ऑनलाइन खाली जैसे ही हो ऑनलाइन गया। है कि टीम अमिंदर का ऑनलाइन है? खाली ऑनलाइन है कि कोई भी ऑनलाइन है कि टीम अमिंदर का ऑनलाइन कोई है? टीम अमिंदर का तो वही है, बाकी मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो मैं तो टीम अमिंदर को ही रिकमेंड करूंगा कि टीम अमिंदर ही बेस्ट है। बाकियों की मैंने रिव्यूज भी देखे हैं, कोई इतना मतलब मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया बाकियों को उसके बाद अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो। वैसे तो बहुत सारे जने हमको बोलते हैं कि हम ना बाकी सारी जगह फिराए हैं, उसके बाद हम टीम अमरिंदर में आए हैं। मैंने कहा हमको बिल्कुल लास्ट ऑप्शन ही बिल्कुल, क्यों देते हो, पर तुमने पहली ऑप्शन हमको दी तो है, मैंने पहली बेस्ट ले ली, पहली पहली बेस्ट ले ली। बेस्ट ले ली, इधर उधर भटका नहीं वेरी जाता। गुड वेरी। तो पुष्कर, जब तुमको डाइट वगैरह मिली थी, जब तुमको टीम अमरिंदर ज्वाइन करने के बाद, तो तुमको तुमने पहले दिन से समर्पण कर दिया था? बिकॉज 8 से 10 साल का जिसको एक्सपीरियंस होता है उसमें थोड़ी सी खिंचक होती है कि मेरे को तो पता है, बट तुम्हारा कैसा रिएक्शन रहा? नहीं, मैंने पहले दिन से ही मतलब जो बता रहे हैं वो तो करना ही करना है, जैसे हम पे कर रहे हैं और उनकी जो सर्विसेज हैं वो ऑप्ट की है हमने, अगर वो जैसे बताएंगे वैसे करेंगे ही नहीं तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है उसमें। मैंने अपनी सारी नॉलेज साइड पर रख दी और वेरी जितना गुड, भी जो पता था वो साइड पर रख दिया, और जो ट्रेनर्स ने और मेंटर्स ने बताया मैंने वो ही फॉलो अप किया, वैसे और वैसे जो, मैंने डाइट चार्ट मम्मा को बना के भेज दिया, मम्मा की पूरी हेल्प रही उसमें कि हाँ मेरे को वेरी गुड, प्रॉपर मील मेरी टाइम पे मिल जाती थी मुझे। बहुत बढ़िया हाँ बहुत बढ़िया बहुत वो बहुत बढ़िया। बड़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि उसके बिना अगर कोई बंदा अकेला रह रहा है या अकेला जॉब कर रहा है उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट करेक्ट, फिर भी ये है कि इजी, आप एक सेट पैटर्न पे चलते हो तो वो ओवर द टाइम 1-1.5 महीने बाद सेट हो जाता है कि यही खाना है यही पीना है ऐसे ही चलना है, तो इजी है। बल्कि वो स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लग सकता है बट वो बहुत इजी है। तो पुष्कर, पर तुमने ये भी बताया कि तुम्हारा ना इससे पहले मेरा मेरे जोन से एब्डोमिनल तो मेरे पहले भी विजिबल हो जाते थे, तो पर जो हाँ वाली हाँ फिजिक तुम्हारी अभी ये हासिल हुई है, ये वाली पहले कभी हुई है वो ऐसी? नहीं, वैसी नहीं हुई, अब्डोमिनल हो गए थे, ऑब्लिक्स नहीं हुए थे, लैट्स नहीं हुए थे, वो चीज नहीं बनी थी। और जो वाह, लोअर क्या कहते हैं, या नीचे से वी बनती है अपना नव एंडल्स के साइड्स में, तो वो हाँ, चीज वो चीज नहीं आई थी। हाँ नहीं आई ओके, थी। तो मतलब ये और क्या तुमने जो सी न्यूट्रिशन जो सा खाना तुमने खाया है उस खाने में तुमको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये वाली डाइट से हो जाएगा, क्योंकि ये तो बड़ी नॉर्मल सी डाइट है? नहीं, पहले तो था कि आप मतलब ठीक है, पहले तो मेरे को स्टार्टिंग में तो खाना ही बहुत ज्यादा लगा मेरे से, इतना मैं अपने मेंटर को बोला कि मेरे से तो ये खाया ही नहीं जा रहा, इतना ज्यादा खाना है मेरे को, आप श्रेडिंग में डाल रहे हो या कैसे करोगे, कब डालोगे ये, मैं कब वहां पे गोल में कहते यही प्रोसेस है आप बस फॉलो करो इसको आप। पहले पहले तो मेरे से खाया ही नहीं गया इतना खाना, कि देखने में थोड़ा था बस खाने में बहुत था वो। बहुत सारा था। तो लोगों को ये भी बड़ा मिथ रहता है कि हम जब टीम अमरिंदर के अंदर जाएंगे या किसी में जाएंगे तो हमको खाना कुछ ऐसा खाना ऑड छुड़वा सा देंगे, ऐसा मिलेगा? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि खाना छुड़वा। अभी भी मेरी बात हुई है 2-3 मतलब है मेरे नॉन फ्रेंड से, तो खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ा होगा, नमक छोड़ा होगा, मीठा छोड़ा होगा, मैं क्या सब कुछ मीठा छोड़ा है और कुछ नहीं छोड़ा मैंने, दबा के नमक खाया, दबा के पानी तो एक्स्ट्रा ही पिया मैंने, पानी तो पहले कम पीता था उसकी वजह से ही नहीं भूख लगती थी, अब पानी ज्यादा पीने लग गया हूँ अब एपेटाइट ठीक हो गया मेरा। बहुत बढ़िया, मतलब उनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस लड़के ने यकीन ही पानी नहीं कभी हो, छोड़ा ही नहीं है। छोड़ा ही नहीं है, और लास्ट मोमेंट तक नहीं छोड़ा, और पोजिंग के टाइम पे भी मैंने पानी की बोतल तो खत्म कर दी होगी वहां पे। तुम्हारी जोन सी जर्नी जोन सी पुष्कर रही है, 1 साल की पूरी जर्नी रही है, जो कि हम पहले भी थोड़ा सा खत्म कर सकते थे, पर तुम्हारी तरफ से थोड़ी सी लैगिंग रही है, तो वो तुमको क्या लगता था तुम्हारी ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन कितनी जल्दी हो सकती थी? ये अगर पूरी डेडिकेशन के साथ मतलब रेगुलर करता रहता तो मेरे हिसाब से 6-7 महीने में हो जानी थी, हो जाने थे, तो थोड़ा सा हो डिले जानी आ गया तुम्हारी थी, तरफ से खुद ही। हाँ, पर हो डिले जाने आ थे अभी गया। 6 साल। हाँ, थोड़ा सा भटक के बीच में से थोड़ा थोड़ा भटकते रहे, थोड़ा
हो गया, बट चलो फिर भी मतलब वर्थ इट है। तो तुम्हारी जब ट्रांसफॉर्मेशन पुष्कर जोशी, तुम्हारी पिक्स निकली, तुम्हारे पेज के ऊपर लगी और टीम हाँ पेज के ऊपर जी जब आई और तुमने अपने फ्रेंड्स वगैरह से जब शेयर करी, तो क्या रिएक्शन आया उनका भाई? बहुत बहुत मतलब मिक्स रिएक्शन थे। मतलब फोन आ रहे मुझे, मतलब गालियां निकाल रहे, एक क्या कर दिया तूने, एक क्या फुल एक्साइटमेंट के साथ भरे हुए थे बंदे कि क्यों बहुत अकेले अकेले बढ़िया तुझे कर रिजल्ट दिया, आया। हमारे बगैर कैसे कर कौन लिया तूने? है से ली है ट्रेनिंग, कहाँ से ली है, क्या खाया, क्या पिया, क्या किया, जिम कितने घंटे लगाए, ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आए मुझे। वेरी गुड, वेरी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे वाले जब कमेंट्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं सभी को फिर बता दूं जो अच्छा लोग अभी तक लगता जुड़े हैं कि आज पुष्कर का बर्थडे है, और इसको हैप्पी बर्थडे सभी की तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से, पूरे पुष्कर को हैप्पी बर्थडे। और साथ में इसका आज दोनों हस्बैंड वाइफ का मैरिज एनिवर्सरी है, 6 मंथ्स की इनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो बहुत ही सेक्रेट सा डे है इन दोनों के लिए। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग टू बोथ ऑफ यू। सो सर। पुष्कर, पुष्कर जब तुम, हम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चल रहे थे, आखिरी में चल रहे थे, लास्ट में आ रहे थे, सारे प्रोसेस में पहुंच रहे थे, तो तुम्हारे दिमाग में कभी ऐसा नहीं है लास्ट में आते आते कि ये कुछ अब कुछ दे देंगे या कुछ कर देंगे? नहीं, मेरे को वो तो मेरे को 100% श्योर था कि ऐसा तो कुछ करने ही नहीं वाले। मतलब वो चीज तो है ही नहीं टीम में, वो तो डे फर्स्ट से ही मुझे पता था। मैंने इतने इंटरव्यूज देख लिए थे, इतना वो इंस्पायर्ड हो चुका था कि अब जाना तो टीम अमिंदर के पास ही जाना है। मतलब इतने बंदे तो नहीं झूठ बोल सकते कि लाइव इंटरव्यू पे आके, इतने बंदे तो नहीं झूठ बोल सकते। फिर आप भी नहीं होगी, आप इनसे अपनी स्क्रिप्टेड वो करवाओगे कि हाँ ये बोलो ये बोलो, इतना टाइम आपके करेक्ट पास भी नहीं है। करेक्ट करेक्ट। तो तुमको लगता था कि तुम भी इसी हॉट सीट के ऊपर आके अपना इंटरव्यू दोगे, क्योंकि तुमने तो खाली देखा था अभी तक। बस मैं इनफैक्ट मेरे कजन से यही बात हो रही थी, मैंने पोस्ट भेजी उसको, उसने मेरे को पोस्ट भेजी कि ऐसे ऐसे पोस्ट पड़ गई है, तो जिसमें सारी आई हुई थी, तो कहता है 1 साल पहले यही हम देखते थे यार, ऐसी बनानी है यार, ऐसी बनानी है, आज वही पेज पे हम आ चुके हैं। मैं उसके साथ शेयर करता था, ये देख, मैंने सबको पेज दिखाने, ये देख ये नेचुरल है, ये देख ये नेचुरल है, ये देख ये नेचुरल है, ऐसे ऐसे सबको दिखाता था, यही करना है मैंने भी। तो आज आके और तेरे वो को लगता बहुत है कॉन्फिडेंट। पुष्कर, पुष्कर तेरे को लगता है कि तेरी ट्रांसफॉर्मेशन जोन सी नेचुरल हुई है, नेचुरल में जोन सा हम वर्ड यूज कर रहे हैं, वो लोगों को विश्वास हो गया है कि मतलब दे डू रे रियली एग्री दैट यहां तो तूने नेचुरल ही किया है, कि अभी भी तेरे को मैसेजेस आ रहे हैं कि तूने कुछ लिया तो नहीं है? नहीं, आप मिक्स है, कईयों के मैसेज आ भी रहे हैं बट वो बिलीव कर लेंगे। अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ नेचुरल है भाई, नेचुरली कर रहा हूँ, तो बिलीव कर लेंगे, ऐसी कोई वो नहीं वेरी है, गुड, वेरी उनको बताना पड़ता वेरी गुड, है। बट ये वेरी तो है कि वो कुछ ना कुछ तो डाउट में है अभी भी। अभी भी डाउट में कि ये हो कैसे रहा, ये हो नहीं सकता, ये कैसे हो गया, ये तो नेचुरल हो ही नहीं हो नहीं सकता, सकता बस 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 है। कुछ डाउट में है, बट ये है कि उनको यकीन दिला दिया मैंने कि भाई नेचुरल है, जैसे क्योंकि वो उनको पता है कि बेसिकली वहां उस साइड जाना ही नहीं हमने, जो है वाली साइड है वो साइड वैसे ही नहीं हमने एक्सप्लोर करनी। वेरी गुड, वेरी। अब तो वैसे भी नहीं एक्सप्लोर कर सकते, बिकॉज इससे ज्यादा आप क्या तो मांगोगे बताओ। क्या मांगोगे आप, वो तो ज्यादा हाँ डिफिकल्ट मेरे ख्याल से, ये तो बहुत इजी है, ये तो आपका लाइफस्टाइल बन गया है एक तरह से, कि कोई नहीं जा रहे। अब ये है कि थोड़ा जैसे स्टेप्स काउंट करने होते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा चाहिए, बट अब मेंटेनेंस स्टेज पे आएंगे तो मेरे को लगता है कि बहुत ही बढ़िया लाइफस्टाइल बन जाएगा, कि बिल्कुल, अब तो वो थोड़ा वाले सा। स्टेप्स टूप्स नहीं आने वाले, हाँ अब तो मजे वाली लाइफ आने हाँ वाली है, अभी तो मजा अब आएगा। तो मतलब अब जो पहले तो मैं देख रहा था अपना ट्रैक चेक किया कि 2,000-2,500 भी होते थे, अब लास्ट में 20,000-25,000 तक भी गए हैं। तो अब सर बोल हाँ रहे थे जैसे कि 8-9 हजार, 10,000-11,000 मेंटेन करने, वो अब तो ऐसे लगता है कि ये तो कर ही लूंगा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये इतने उससे स्टेप्स तो ज्यादा ये तो तो मैं हो यू ही ही कर जाने हैं। लूंगा,
इससे ज्यादा तो मैं यूं ही यूं ही कर लूंगा। करूंगा हाँ 8-10 हजार तो मैं कर ही लूंगा ना, उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है, कि वो तो हो अच्छा गया। अच्छा पुष्कर, ये तो चलो ठीक है, तुम्हारा तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, तुमने एक गोल बनाया था कि तुमने अपनी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, बट तुम मेरे को बताओ इस ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ तुम्हारी अपनी जो उनसी पूरी डे की मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी से बात करना ऑफिस में, फैक्ट्री में जाके बात करना, अपनी हॉजरी शॉप में किसी के साथ बात करना, उसमें कितना डिफरेंस तुमको महसूस हुआ? डिफरेंस होता है कि मतलब जो मिलते हैं करते हैं बंदे, मतलब पूछते हैं कि जिम जा रहे हो, डाइटिंग कर रहे हो, तो ऐसे तो एक मतलब उसमें से भी मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ भाई कि थोड़ा नोटिसेबल हो रहा है, कि हाँ लोग नोटिस तो कर रहे हैं कि यहाँ पे चेंज आया है। तो वैसे माइंडसेट भी वैसे ही चलता है फिर, कि जैसे पॉजिटिवली हम जिमिंग कर रहे हैं तो वैसे ही पॉजिटिविटी के साथ हम अपना काम करते हैं, वर्क अपना बिजनेस में कोई डील करनी है वो हाँ सब चलता है फिर बढ़िया से एकदम, मतलब पॉजिटिव रहता है बंदा। मेरे को तो यही लगता है कि वर्कआउट तो हर किसी को करना ही करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आजकल के करना लाइफ तो स्टाइल में सभी को हमारी ना चाहिए, पर वॉकिंग करते है नहीं है, ना लिफ्टिंग है, करते नहीं है। करते और नहीं है, करते एज नहीं है। भी हो चाहे 20, तो भी करना तो करना ही चाहिए। कईयों को लगता है अब तो 45 के हो गए, अब क्या करना है। सो एक और पुष्कर मैं चीज तुमसे पूछना चाहता हूं। मैं ये नहीं पूछूंगा कि हम महंगे हैं कि सस्ते हैं, कुछ भी, जो भी हमारी फीस है, व्हाट एवर आर फीस इज, ओके, जो भी है वो, जो भी हमारी फीस है, डू यू थिंक द सर्विसेज विच वी प्रोवाइड विद द अमाउंट विच वी चार्ज, इज इट जस्टिफाइड और नॉट? सर फुली जस्टिफाइड है, फुली जस्टिफाइड है अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो। अगर आपने वही एटीट्यूड के साथ कर लिया, 3 महीने 6 महीने कर लिया फिर छोड़ दिया, फिर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आपने करना है, अगर आप फुली डेडिकेशन के साथ करोगे फिर तो फुली जस्टिफाइड है। अभी कोई इतनी बड़ी, अगर हमने मैंने 1 साल कर भी लिया तो कोई इन्वेस्टमेंट ही है वो, कोई इसमें नुकसान नहीं है अपना, रिटर्न्स करेक्ट। पूरी लाइफ टाइम के मिलेंगे हमें। जो रिटर्न्स है मैं छोड़ भी दूंगा तो मेरे को वो रिटर्न्स जो है, जो मैंने सीखा वो लाइफ टाइम में फॉलो कर सकता हूँ उसको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि हाँ ये है। एक सेट पैटर्न के साथ मतलब बेसिक बेसिक हमें पता चल गया, फ्लोर पे इंडिपेंडेंट हो गए हम, तो बाकी फुली वर्थ इट है लाइफ में, एक बार तो करना ही करना चाहिए। तो पुष्कर, क्या तुमको कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के ऊपर कोई पैसा खर्चा गया? नहीं सर नहीं, मैंने वे प्रोटीन और मल्टीविटामिन ले लिए, बस यही था। कैल्शियम वाली थी एक अपना शेल के, वो इसके अलावा कुछ और वे नहीं, प्रोटीन था क्या? हाँ नहीं और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं गया? और ऑसम कुछ ऑसम। भी सो एक बारी और एक बारी अब, नहीं। बिकॉज बिकॉज दोनों का, आई वॉन्ट दैट योर वाइफ शुड ऑल्सो बी हेयर, बिकॉज आप दोनों का एनिवर्सरी है, आई वॉन्ट दैट शी शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दिस, अगर वो घर में है, अगर कहीं नहीं गई हुई है तो शी मैं शुड बी पार्ट। ठीक, बुलाओ 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 उनको, बुलाओ मैं बुलाओ बुलाओ बुलाता बुलाओ बुलाओ, मम्मा को भी बुलाओ, अगर मम्मा भी आ सकती हैं तो मम्मा भी ठीक। आए, मैं बिकॉज देखता हूँ शी कि रियली मम्मा डिजर्व। शायद मम्मा गए हुए थे, तो हाँ देखो मैं देखो अपनी देखो, वाइफ जस्सी को बुलाता हूँ जस्सी अगर जस्सी, मीटिंग चल रही है अपनी। ठीक यस यस यस। तो ये रहे पुष्कर हमारे साथ, जो उनसे आप देखेंगे कि पुष्कर लुधियाना से हैं, आज उनका हैप्पी बर्थडे है, और साथ में 6 मंथ्स की उनकी अपनी जो उनसी मैं इनको दोबारा लूंगा, पुष्कर को दोबारा लूंगा, बिकॉज लेने के बाद मे बी उसकी कनेक्टिविटी दोबारा बेटर हो जाए पुष्कर की, और फिर हम और बातें करेंगे इसी के साथ। सो मैं आप सभी को बता दूं, हम पुष्कर से बात कर रहे हैं आज, जो कि लुधियाना से हैं, 30 साल के हैं, जिन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन तकरीबन 14 किलो के साथ 1 साल के अंदर करी है। इनके पास 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, और अ ब्यूटिफुल फिजिक बन के इनकी आई है, जो उनसी दैट इज अप्रिशिएटेड, और जाके आप देखेंगे पेज के ऊपर कितनी खूबसूरत सी इनकी फिजिक, वो अभी भी आपको दिखाने वाले हम, यहीं पे आपको दिखाएंगे उनकी फिजिक भी, कि कितनी खूबसूरत फिजिक एक बंदे को जिसको 8 से 10 साल हो गया, 8 से 10 साल होने के बाद उन्होंने टीम को ज्वाइन किया, और टीम ज्वाइन करने के बाद 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन खूबसूरत तरीके से चीजल्ड और स्टेज रेडी, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, वो निकल के बाहर आई, और ये आप सभी के लिए ना एक होप है।
सभी के लिए, आप सभी के लिए एक होप है कि अगर ये कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, कोई भी, सबको जितना भी हवा है ना कि टीम उमेंदर के अंदर ऐसा होगा और वैसा होगा, इट इज सो नाइस और इतना ब्यूटीफुली क्राफ्टेड हमारा ऑनलाइन का ट्रेनिंग पोर्टफोलियो है कि मतलब द इकोसिस्टम विच वी हैव क्रिएटेड फॉर ऑल ऑफ यू आप सोच नहीं सकते। और सारा का सारा ऑनलाइन ट्रेनिंग आप सभी के लिए बनाया, आप सभी के लिए, हमने अपने लिए नहीं बनाया, याद रखिए, आप सभी के लिए ये ऑनलाइन ट्रेनिंग क्रिएट करी है हमने, ताकि आप सभी अपने आप अपनी जिंदगी अपने टाइमिंग से और अपने इंटेंसिटी से खुद जी पाए, आप किसी के ऊपर मोहताज नहीं हो पाए। और इसीलिए टीम अमेंदर ने ये प्रोसेस क्रिएट किया और उसके लिए हमारे जितने भी मेंटर्स हैं वो सारे के सारे डे एंड नाइट बहुत हाई लेवल ऑफ में अपना अपने आप को दे कीपर्स। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इनके फ्रेंड्स को भी हम लेंगे अभी, जिसमें दे विल टॉक अबाउट हाउ डिड ही गो थ्रू, इनके जो उनसे क्लोज फ्रेंड्स हैं हम उनको भी लेंगे, ताकि आपको पता चले कि इनकी जर्नी है क्या थी। ये फीस वगैरह के लिए विपिन आप 9810972683 वगैरह, ये पुष्कर आ गए हैं, ऐड कर, दोबारा ऐड करते हैं इसको। फेसिस के लिए विपिन आपने 9810972683 में अप्रोच करिए, वहां पे जसप्रीत कौर मिलेंगी और आपको आगे की डिटेल्स दे देंगी, या मेरे को इंस्टा करिए, मैं आपको बता दूंगा। तो ये आ गए हमारे पास पुष्कर अगेन, सो यहाँ पे मैंने डीएम कर दिया, यहाँ पे मैं पिन कर देता हूँ वाला कमेंट, पिन कर देता हूँ कशिश का। तो ये रहे हमारे पास पुष्कर, और ये रही उनकी वाइफ। पहले तो साल पहले तो हेलो तुम दोनों सर, को हेलो, कैसी है, कैसी है, हाउ आर यू? सो फाइन सर, हाउ आर यू? गुड गुड। तो पहले तो तुम दोनों को बहुत सारी मुबारकें, तुम्हारे 6 months की एनिवर्सरी, लोड्स ऑफ ब्लेसिंग टू बोथ ऑफ यू। और आज के दिन इतनी अच्छी सी खुशी आई है कि आप, मजा आ गया, तुम दोनों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स, कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच सर. पहले तो बहुत 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 ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज की तो खुशी लग गया पुष्कर की खुशी बेस्ट बर्थडे खुशी है, जब से पिक्स फ्लोट हुई है तब से खुशी अलग नजर आ रही है तो वही तो, मतलब नेचुरल ब्लश कर रहे, लड़कियां ब्लश करती हैं, यहाँ पे पुष्कर ब्लश कर रहे हैं और तेरे को कैसी लगी, हाउ डिड यू लाइक द पिक्स और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ डिड यू लाइक? बहुत अमेजिंग, बहुत 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 ज्यादा, मतलब कि वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते तो सबको सबको एक मैसेज दे दो पुष्कर की तरफ से, तुम सबको मैसेज दे दो के टीम उमेंदर के लिए क्या मैसेज है तुम्हारा? टीम उमेंदर के लिए. मैं तो यही चीज है, जाओ अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, पॉजिटिव रहोगे, फिट रहोगे, सब कुछ सही रहेगा. टोटली वर्थ इट, विदाउट अ सेकंड थॉट यू कैन गो. मेरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी लाइफ गुड, थैंक यू। ये एग्जांपल रहा लाइफ एग्जाम्पल है, मेरे साथ में रख के इसको पूरा तैयार किया है और उसको बोलो कि लाइव एग्जाम्पल है मेरा, मैं है. कहाँ आपको बताऊंगा। ऑसम ऑसम, थैंक यू सो मच। और ऐसी लोट्स ऑफ ब्लेसिंग टू बोथ ऑफ यू, ये जोड़ी तुम्हारी बनी रहे हमेशा अच्छी तरह, और बहुत सारे साल आएंगे तुम्हारे साथ ऐसी, और ऐसी बहुत सारे बर्थडेज बनाते रहेंगे, एनिवर्सरी आते रहेंगे तुम दोनों की, एंड ईयर बाय ईयर यू विल गेट, नाउ इट इज योर टाइम टू गेट, गिव गिव, यू हैव टू कम एंड सिट ऑन द हॉट सीट फॉर हिम। यस, मैं वही बोलने वाली थी कि 6 months एनिवर्सरी पे पुष्कर इज ऑन द हॉट सीट, हॉट सीट, एंड आफ्टर ऑन 1 year एनिवर्सरी आई विल बी हियर. पुष्कर को ना उससे पीछे ना 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो भूल गई तो कोई बात बट सर नहीं, आपके सामने आपके तो आपके अंदर भी मैं वो 10 साल एक्सपीरियंस फेल करूंगी ना पुष्कर का. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब कहानी आती है पुष्कर की पुशअप्स लेने की, तो पुष्कर एक बारी सबको तुम्हारी फिजिक दिखानी है पूरी की पूरी बर्थडे वाले दिन, तो जरा पुशअप्स के साथ उसका निहारा करेंगे। तो एक बारी पहले पुशअप्स का टेस्ट लेने वाले हैं हम पुष्कर का, पुशअप्स में मैक्सिमम पुशअप्स करेंगे, तकरीबन 66 किलोज में चल रहे हैं पुष्कर अभी, और 80 किलो से ड्रॉप डाउन किया है, 14 किलो लूज किया है इन्होंने तकरीबन, 1 साल लगाया है, और 1 साल के अंदर अंदर अभी भी
इनको हल्की सी शोल्डर के ऊपर इश्यूज है, पर फिर भी हम आपको पुशअप्स करवे दिखाएंगे। ठीक है पुष्कर, तुम खुद काउंट करना, बिकॉज तुम्हारी वीडियो लैगिंग कर रही है बीच में, तो तुम खुद काउंट कर लेना, खुद काउंट करना। ठीक है गो, ओके गो फास्ट, गो फास्ट, 5 6 9, कीप गोइंग कीप गोइंग, वेरी गुड, कम ऑन बॉय, Guys, come on, boost him up, he is going and coming up with, आपको भी बहुत सुंदर सी फिजिक दिखाने वाला पुष्कर, पुष्कर एक बहुत सुंदर सी फिजिक आपको दिखाने वाला यहीं पे, लुधियाना से 30 साल का हौजरी का काम लड़के का, और अभी 6 महीने पहले इसकी शादी हुई, और उसके बाद इसकी वजह से थोड़ा सा डिले आया, बट इसने फिर भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अपने बर्थडे वाले दिन करी, सो आज इसका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे अलोंग विद 6 months ऑफ एनिवर्सरी, और अपनी बॉडी की मैक्सिमम टेस्टिंग कर रहा है पुशअप्स की, कमान कमान पुशअप्स, कमान पुष्कर, गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, और अपनी बेस्ट दे रहा है अपनी पुशअप्स के ऊपर कि कितना जा सकता है, कमान कमान कमान, यस पुष्कर, कीप, गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, और ये रहा है पुशअप्स, कमान कमान, दो जाएगा जाएगा, और आई डोंट वॉन्ट दैट यू शुड डू इट मोर बिकॉज यू हैव अ शोल्डर में इश्यू है, तो बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, रीजनेबल जितना आराम से होता है उतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, और ताकि शोल्डर के ऊपर फोर्सेस ना आए, और उस रीजनेबल में ही तुम बता दो कितना आया, 60 हो गए सर, 60, बहुत बढ़िया, 60 पुशअप्स इज फेयर इनफ पुशअप फॉर हिम, एंड आई नेवर वांटेड दैट ही शुड पुश हिमसेल्फ मोर बिकॉज इसके शोल्डर के ऊपर फोर्सेज आ जाते हैं, तो आपको दिखाते हैं पुष्कर की फिजिक, Pushkar, take off your t-shirt and shirt so that we can showcase you your physique to everyone. So ये Pushkar अपनी shirt उतार रहे हैं जिसमें आपको एक खूबसूरत सी अंदर से physique निकल के आपको नजर आएगी, जो कि आपने अभी you know pics में देखी होगी, और अब आपको रूबरू कराते हैं, क्योंकि हम क्रिस्टन एंड व्हाइट, जो भी ब्लैक एंड व्हाइट रखते हैं, जो भी फिजिक किसी की भी होती है वो सामने हम रूबरू कराते हैं किसी की भी, और उसको सबको हाईलाइट करवाते हैं कि हाँ ये रही फिजिक हमारी पुष्कर की। पुष्कर कोई डार्क सा वो लो ना, डार्क सा लाइट जोन सी है ना तुम्हारे पीछे नहीं हो, लाइट पीछे आ रही है तुम्हारी, थोड़ा सा बैक लाइट जोन सी है ना वो पीछे वाली बंद कर दो जाए, हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, ये चलो जी, पीछे वाली लाइट जितनी भी है वो बंद कर दो, पीछे वाली लाइटें जितनी भी है ना वो बंद कर दो, खाली आगे वाली होनी चाहिए, क्या बैक बैक वाली जितनी भी लाइट्स है वो सब बंद कर दो जितनी भी है, क्या, एंड नाउ यू विल सी अ ब्यूटिफुल फिजिक इन फ्रंट ऑफ यू, ये रहा ये रहा ये रहा, यस पुष्कर गिव योर बेस्ट नाउ, डबल बाइसेप का पोज मारेंगे, पहला वाला पोज मारेंगे, चलो विद डबल बाइसेप एंड विद एब्डोमिनल्स पुष्कर, एंड ये देख लीजिए भाई सुंदर सी फिजिक आप सभी के सामने, जो उनसी पिक्स आपको दिखाई है उसी का एक रूबरू वर्जन, पुष्कर एक स्टैंडिंग स्टैंडिंग वाला जो उनसा पोज था वो भला करेंगे, नॉर्मल स्टैंडिंग पोज, यस नॉर्मल स्टैंडिंग पोज एब्डोमिनल के साथ, नहीं खड़े हो गए नॉर्मल, यस एब्डोमिनल के साथ, एब्डोमिनल एब्डोमिनल निकालो, ये निकाला, वेरी गुड वेरी गुड, ब्रिलियंट 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 ब्रिलियंट, एक यस साइड चेस्ट पोज, साइड चेस्ट, बहुत ही बढ़िया पुष्कर, मजा आ गया देख के, मजा ही आ गया, मजा आ गया मेरे को, मजा आ गया, यस यस ये वाला, और एब्डोमिनल एब्डोमिनल, यस एब्डोमिनल एब्डोमिनल, यस एब्डोमिनल, वेरी गुड वेरी गुड, यस एंड होल्ड इट, होल्ड इट एब्डोमिनल के साथ, होल्ड 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 होल्ड, ये देखो बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, अभी दिखाते हैं आपको थाइस भी दिखाएंगे, पीछे से डबल बाइसेप, पीछे से डबल बाइसेप, पीछे से डबल बाइसेप, तो ये रहा क्रिसमस आपका, क्रिसमस से पहले आपको क्रिसमस ट्री दिखा दिया है, तो ये रहा क्रिसमस ट्री, ये देखो कितनी नरिश्ड जो सा इसका स्मार्ट का है, कितनी नरिश्ड स्किन और डेंस्ड मसल, डेंस्ड मसल, वेरी गुड, एब्डोमिनल का पोज दिखा दो, एक एब्डोमिनल का पोज पुष्कर, एब्डोमिनल पोज, यस डीप लेके, डीप लेके, ये देख लो भाई कितनी सुंदर सा इसका स्किन देख रहे हो, कितनी बढ़िया से, इतनी बढ़िया ओब्लिक्स के साथ, बहुत बढ़िया, और साइड साइड ट्राइसेप वाला पोज, साइड ट्राइसेप विद ओब्लिक्स, साइड ट्राइसेप विद ओब्लिक्स, यस यस, हाथ वाला और ओब्लिक्स, यस, और साइड चेस्ट साथ में, साइड चेस्ट ले लो साथ में, साइड चेस्ट, ट्राइसेप एंड साइड चेस्ट, एंड ये देख
भाई, ये बर्थडे बॉय भाई, बर्थडे बॉय, ये देखो नशा नशा भाई, नशा नशा, बहुत ही सुंदर फिजिक, बहुत ही सुंदर फिजिक, बहुत ही, एक बारी सबने बोला है, सबने बोला है पीछे से डबल बाइसेप दोबारा मारो, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पीछे से डबल बाइसेप सबने फरमाइश किया आप सभी के लिए, ये ऑथेंटिक मेडिकल इन्फो बोल रहे हैं, 1 ईयर क्रिसमस ट्री, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। और ये देखो सुंदर सा क्रिसमस ट्री आप सभी के सामने, स्कैपला मिलाएगा, स्कैपला मिलाएगा, स्कैपला मिला पीछे, ये खोल दे, खोल दे, दोबारा दे पोज, दोबारा दे, दोबारा दे पोज, दोबारा ये वाला, दोबारा पोज नीचे से, यस दोबारा, चलो दे, यस एंड नाउ एंड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार, जिसको बोलते हैं एक एक पुष्कर स्टैंडिंग खड़े होके ना एब्डोमिनल, ये वाला पोज ना दोबारा मारेगा सांस रोक के, बट सांस रोक के यही वाला पोज, मस्कुलिन पोज, ठीक है चलेगा, आगे बिल्कुल स्क्रीन के आगे आगे आगे, चलो मस्कुलिन पोज, यस, ये देखो भाई, ये देख लो भाई, ये इसको है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। एक एक पुश्कर तुमने क्या करना है, नॉर्मल स्टैंडिंग पोज मारोगे एब्डोमिनल के साथ, और थोड़ा सा पेंट को नीचे करो, थोड़ा सा लोअर को नीचे करो, ताकि मैं नीचे वाला भी पोज देख पाऊं, थोड़ा सा और नीचे कर दो, और नीचे कर दो थोड़ा सा, हाँ अब एब्डोमिनल का, और नीचे करो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, एब्डोमिनल का पोज दिखा रहा हूं, नॉर्मल स्टैंडिंग पोज, स्टैंडिंग नॉर्मल स्टैंडिंग पोज एब्डोमिनल के साथ, यस यस नॉर्मल और एब्डोमिनल, ये देख लो भाई, इतनी सुंदर फिजिक तुमको कहीं नहीं मिलेगी भाई, क्या ये देखो कितना सुंदर भाई, भाई मैरिड है वो, भाई मैरिड है वो, शर्मा आधा 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 शर्मा लिख रही है, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ भाई, शादीशुदा है क्या अब सारे के सारे क्या बोल रहे हैं, पुष्कर तेरे लिए, उनको लगता है कि तेरी थाई नहीं है, तो जरा थाई दिखा दो, उनको लगता है कि तेरी थाई नहीं है, क्या उनको लगता है कि तेरी थाई नहीं है, तो लोगों को थाई भी दिखा दो जरा, अपनी क्या लेवल की थाई है तेरी, क्या इमीडिएटली अभी आपको लोअर बॉडी भी दिखाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्या इतना सुंदर आपको मॉडल नहीं मिलेगा ये देखो आधा आधा लिख रही है, कोई बात नहीं, मेरे को पसंद है, शादीशुदा भाई पसंद है मेरे को ओके तू ऐसे करना, ये देखो भाई आता, देख लो जरा इसकी अपनी सुंदर सी बीवी इसके पास भाई, हाँ मजाक बहुत बढ़िया ये बुक्ड है, ये बुक्ड है, इसका कुछ नहीं हो सकता भाई, अब कुछ नहीं, ये बुक्ड है, स्टार्ट बुक्ड है ये तो थोड़ा सा आधा ऊपर करिए, थोड़ा सा कैमरा ऊपर करना है, आधा सा कैमरा हल्का सा ऊपर, हल्का सा ऊपर, हल्का सा ऊपर, सो ये रही थाई, तो थाई थाई पूरी खींच दे जरा एक बारी, थाई खींच दे, ये देखो ये देखो ये देखो ये देख लो भाई, सारों के सारे सामने थाई आ गई है, ब्यूटीफुल थाई आ गई है, और मस्त मस्त बिल्कुल, बस अब ठीक है, अब ऊपर वाला दिखा दो भाई एक बारी, क्योंकि हमसे रुका ही नहीं जा रहा, अपर बॉडी इतनी शानदार आ गई है, अपर बॉडी इतनी शानदार है कि ऊपर रुका ही नहीं जा रहा हमको, देख बिना देखे तो वो वाला पोज दोबारा, पीछे वाली लाइटें बंद करो यार, हमको पिछली वाली लाइटें नहीं चाहिए, लाइट जलेगी तो हम सब, हमको कुछ नहीं दिखेगा, पिछली वाली लाइटें बंद करो सारी की सारी, जितनी लाइट बंद हो सकती है उतनी बंद करो, यस यस, एक डबल बाइसेप पोज दोबारा भाई, वाइस फरमाइश आ रही है पुष्कर, डबल बाइसेप पोज, डबल बाइसेप पोज दोबारा, यस ये रहा, देखो भाई ये देखो शानदार शानदार बिल्कुल, ये मस्त मस्त मस्त, बहुत बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, बहुत ही जबरदस्त, बहुत, एक नेक का पोज दोबारा मार दे जरा, बहुत, एंड यस यस, ऐसे मोस्ट कर, ऐसे कर, पुष्कर तू बेड के ऊपर, पुष्कर तू ना उसके ऊपर, बेड के ऊपर चढ़ जा, बेड के ऊपर चढ़ जा, पीछे बेड के ऊपर चढ़ जा, हाँ यहाँ पे बस, अब डबल भाई सबको पोज मार दे वहीं से, थाई के साथ, थाई के साथ, यस तो ये देखो थाई के साथ डबल बाइसेप का पोज आप सभी के सामने भाई, ये रहा पुष्कर एट हिज बेस्ट, ये देखो एब्डोमिनल साथ में, और ये देख लो जी भाई, तुम्हारे को थाई भी दिखा दी, सबको दिखा दिया भाई, अब बिल्कुल कैमरे के पास आके नेक का पोज मार दे दोबारा एक बार,
नेक का पोज मार दे भाई, दोबारा नेक का पोज मार दे भाई, ये देख लो भाई, देख लो देख लो, मस्त भाई, मजा आ गया भाई, मजा ही आ गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार 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 वर्ड है, शानदार शानदार शानदार। और ओब्लिक्स का पोज साथ में, ओब्लिक्स ये देखो, ओब्लिक्स का चेस्ट साइड में टाइट करके, चेस्ट साइड में, चेस्ट साथ में टाइट कर, कट एब्डोमिनल एंड चेस्ट, कट एब्डोमिनल ओब्लिक्स एंड चेस्ट, ये देखो ब्यूटीफुल, ही हैज अ ब्यूटीफुल फिजिक, आई एम टेलिंग यू, ऑसम ऑसम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पुष्कर, मजा आ गया देख के, बहुत ही बढ़िया। एंड आई वॉन्ट दैट योर फ्रेंड शुड ऑल्सो कम, तेरा फ्रेंड जोन सा था उसका क्या नाम है जो आया था, आई वॉन्टेड दैट ही शुड बी देयर अलॉन्ग विद यू, उसका हाँ, उसको उसको बोलो वो अगर नहीं है तो वो आ जाए हमारे पास, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक हिम ऑल्सो ऑन द लाइव, बिकॉज और पुष्कर जब तक वो आता है, हाउ वॉज तेरे को क्यों ऐसा लगा था कि तेरे को ये वाली चीज जो है ना लैब में आके करनी है? सर लैब का तो वही है बस, कि जैसे लाइव इंटरव्यूज देखे हुए हैं और पोस्ट जॉन्स देखे हुए हैं, फोटोशूट देखा हुआ है, तो वो क्रेज था, वो तो अल्टीमेट अचीवमेंट है कि हाँ ये जर्नी की है तो वहीं पे जाके खत्म होगी, आपसे आपके सामने पोस्ट जॉन करके आपसे सीख के, तो वहीं पे फोटोशूट तो वहीं पे होना था, उसके बिना तो इनकम्प्लीट है। अच्छा तो कैसा लगा तेरे को लास्ट, कैसा लगा तेरे को आके, हाउ डिड यू लाइक द लैब, लैब में बहुत बढ़िया सर, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, मतलब फुल ऑफ पॉजिटिविटी सर, आपसे मिलके तो मैं पहली भी मिला था, आपसे अभी भी मिला हूँ, मतलब फुल ऑफ पॉजिटिविटी है, पूरे एक ऑरा बना हुआ है, एक वो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपना गोल रीच करो वहां पे जाओ, फिर आप फील करके आओ कि क्यों वहां पे जाना जरूरी है, क्यों वहां पे जाना इतना वहां पे इतना अच्छा क्यों है वहां पे वो तो मतलब एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मैं बता नहीं सकता अभी। वेरी गुड वेरी गुड। तुम्हारे फ्रेंड का नाम क्या है, फ्रेंड का नाम क्या है? मेरे फ्रेंड का नाम था अखिल और रेमन है। अच्छा अखिल मेरे ख्याल से पहले आया था, बाद में पहले आया था, पर अभी मेरे ख्याल से हाँ अभी चला गया, तो मे भी कहीं कहीं पे बिजी होगा, कोई बात नहीं है कि हम उसको अभी बीच में तुम्हारे बात भी ले लेंगे, कोई बात नहीं है। whenever you are there we are going to take him, that is not a issue because I will be connected for another few half an hour more, ठीक है। और क्या पुष्कर अपने टीम मेंटर के साथ क्या बोलना चाहते हो, how was the mentorship program, because सबको ये लगता है कि टीम उमेंदर के अंदर है जो उनका मेंटर है वो अलग अलग हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो वो कैसे कराएंगे, हम कैसे कराएंगे, टीम कैसे ऑपरेट होगी, कैसे हाउ वाज योर फीलिंग? टीम उमेंदर के जो आगे मेंटर्स हैं वो पूरी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप ऐसे इंडिविजुअली आप उनको जज करोगे या वो, उसमें कोई वो नहीं है कि मतलब वो कोई पैटर्न नहीं बनेगा जज करने वाला, क्योंकि जब आपने टीम उमेंदर को ज्वाइन किया तो आपने पूरी टीम को उनकी सर्विसेज ली है, तो पर्सनली ऐसे अलग से जज करना वो तो मतलब आपने बाकी टेस्ट लिए हुए हैं उनके, किनको अपॉइंट करना है, किनको मेंटर बनाना है, तो वो आपके पैरामीटर से निकले हुए हैं, तो वो एक टीम का ही पार्ट, वो कभी भी अपने इंडिविजुअली भी, अभी एक साल से कितनी बात हुई हमारी, तो उन्होंने कभी भी हमें ऐसे अड्रेस नहीं किया कि हम उनके स्टूडेंट हैं या उनसे ले रहे हैं ट्रेनिंग या उनसे कर रहे हैं, उन्होंने हमेशा ऐसे अड्रेस किया कि आप टीम उमेंदर के मेंबर हो और उनसे ट्रेनिंग ले रहे हो, तो yes, उनको अपना ऐसे कुछ नहीं है, वो पूरी टीम एक ऐसे फैमिली बन के चल रही है, कि उस लेवल पे तो आप मतलब छोड़ दो, मेरे को ये मेंटर मिल गया, तेरे को ये मिल गया, मेरे को ये हो गया, वो हो गया, वो तो आप छोड़ ही दो बात। करेक्ट। ये सारों को लगता है ना, एक्चुअली सारों को डाउट बहुत सारा होता है इस चीज के ऊपर, कि हो जाता है कौन चला जाता है, यू नो, सो आना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वेरी गुड। सो तुम्हारा आज का बर्थडे प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, कि अगर मैंने कुछ नहीं पूछा तो उन्होंने फीडबैक लेना जरूर है, कि अगर मैं बिल्कुल कई बार तो होता है कि आपने मेरे को बताया नहीं, आप वर्कआउट नहीं किया, आपने एक दिन वर्कआउट नहीं किया, मिस कर दिया, तो आप
मेरे को एटलीस्ट बताओ तो सही कि हाँ मैंने मिस कर दिया। अब हमें होता है कि चलो गालियां पड़ जाएंगी, रहने दो कर दो, बट वो आगे से उन्होंने क्वेश्चन बट आगे से उन्होंने खुद से उन्होंने नोटिस कर लेना, चाहे वो 50 बंदे चाहे 100 बंदों को एनालाइज कर रहे हैं, फिर भी वो आपको पॉइंट आउट करेंगे कि आपने मेरे को वीडियो नहीं भेजी कल की, आपने कल हाँ ये किया था, आपने कल वो नहीं किया, जो भी है मतलब आपके प्रोसेस में जो भी चल रहा है वो अप टू डेटेड रहते हैं। और वो फिर आपको रियलाइज होता है कि अगर वो इतने डेडिकेटेड हैं हमारे लिए, हाँ तो फिर हमारी भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम भी इससे जुड़े रहें, कि हम जो प्रोसेस शुरू किया हुआ है तो उसमें लगे रहे, जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं उसमें मतलब ये 100% दे। देखो हेलो आ गया हमारे पास आ गया ये हमारे पास आ गया ये किंग महेंद्र ऑफ एमआई। भाई, कैसा है तू, कैसा है रवा? बढ़िया ये भाई देखो, बढ़िया। आप बताओ कैसे हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम दोनों को ये अखिल भी आ गया, इसका दोनों दोनों लंगोटिया आ गए हमारे पास। हैप्पी बर्थडे हेलो ब्रो, हैप्पी सर। बर्थडे बर्थडे ये देखो भाई। हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी थैंक बर्थडे आ गया, हैप्पी बर्थडे आ गया दोनों की तरफ से, हैप्पी बर्थडे। दोनों को कैसा लग रहा है? हाउ डिड यू लाइक, कैसा लगा बहुत अपलोड बढ़िया करके सर, भाई? बहुत भाई बढ़िया। क्या बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा ऑसम, तुम्हारा फील है भाई इसको देख के ना, बढ़िया लग रहा है, किसने मेहनत करी है, बिल्कुल काम किया है बॉडी में। बिल्कुल अपने अपने फ्रेंड को वहां पे पेज के ऊपर देख के खुशी अलग होती है भाई, अलग है भाई, है? तो सर ये इसका काफी देर से ड्रीम रहा है सर यहाँ पे आने का। जब जब ये कोचिंग करता है, जब ये जिम से निकलता था, कहता था यार हाँ यहाँ तो जाना ही है, पहुंचना ही है। हाँ ये बोल रहा। हमने तो नारा बनाया हुआ था अपने ग्रुप में, टीम महेंद्र जिंदाबाद। हमने जब भी जाना जब है ट्रैक पे, मैं मैंने दीक्षा पुष्कर अखिल सबने टीम महेंद्र जिंदाबाद। अरे वहां पे ट्रैक पे गए तो थे यार, मनाली साइड पे बैठे रहे वन, जब वहां पे टी मनाली साइड हम गए थे वहां पे ट्रैक पे, तो ये सबसे आगे आगे था, तो हम इसको ये कह रहे थे बस टीम अमरिंदर। ओके टीम अमरिंदर, टीम अमरिंदर। तो तुमसे मैं दोनों से पूछना चाहता हूं कि ड्यूरिंग द जर्नी इसने, इस लड़के ने कोई भी ऐसा, क्योंकि सबको लगता है कि ये नेचुरल कैसे हो गया, तो दोनों ने तुम, बिकॉज तुम दोनों इसके लंगोटिया यार हो, क्या तुमको लगता है कि ड्यूरिंग जर्नी ने इसमें कोई भी ऐसी कोई गड़बड़ करने की कोशिश करी है, गड़बड़ खाई है, गड़बड़ लिया या कुछ भी ऐसा किया? नॉट एट ऑल भाई सर, ऐसा नॉट एट कुछ भी ऑल। नेचुरल में रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो कस दिया डाइट को, घर वाली डाइट बहुत बढ़िया डाइट, नेचुरल रहे हैं हम। अरुणा बिल्कुल। देखिए ऐसी जनरी तो बहुत मजा आया। राधारिश ने हमें भी सजेस्ट किया सर, वी आर ऑल्सो डूइंग जिम, सो जहाँ पे हमें भी जहाँ जो इसको समझ आता था, जहाँ जो हम समझ सकते थे कि डाइट को लेके, तो इसने हमें भी सजेशन दी, अच्छे दी है, और वो वाकई बड़ी इफेक्टिव भी है साथ में, ये सिर्फ यही ऑसम, बात नहीं है, इफेक्टिव भी है बहुत बढ़िया बिल्कुल बहुत सर। बढ़िया और सबसे बहुत बड़ी बढ़िया। बात यार मैं बता दूं, है घर ये की बनाई करेक्ट, और मैं सबको बता दूं कि ये दोनों जो से लंगोटिया ये हमारे साथ यहाँ पे लैब में भी आए थे और हमने खूब मस्ती करी थी, बहुत मजा आया था, हम राइट सभी को राइट भी सर, बहुत अच्छा सा लगा था। सर सो हाउ बहुत वाज मजा आया योर भाई। एक्सपीरियंस, कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा लैब के अंदर भाई? सर जल्द हम मतलब भी फैमिली ज्वाइन फैमिली करने टाइप वाले हैं ऑफ। सर, जल्द हमें भी देखेंगे आप। सर हमारे आने का रीजन ये भी था ना कि हम एक बार अपनी आंखों से लाइव भी देख ले, ठीक है ना, तो इसका तो रिजल्ट हमें दिखा था, बट हम खुद भी पूरा ट्राई करेंगे सर। वेरी गुड जी, वेरी गुड वेरी और गुड वहां वेरी पे गुड। सो पूरी पूरी फैमिली वाली फील आई, ऐसा नहीं है कुछ ऑकवर्ड नहीं फील हुआ, बढ़िया हाँ फील हुआ, हमने सबने खाना पीना खाया, एंजॉय किया, बहुत बढ़िया एंजॉय किया हमने। पुष्कर ने वेरी शूट किया, पुष्कर थका हुआ लग ही नहीं रहा था, इतनी 4 घंटे शूट किया इसने। सही बात है, पोजिंग के बाद भी सीरीज थी, और वो लगा ही हुआ था, उसको कोई मतलब नहीं था, वो पोजिंग कर उसको ही कोई जा फर्क नहीं। रहा था। सही में पुष्कर फुल एनर्जी में था, उसको कोई मतलब नहीं उसका था, उसको नहीं कोई थकान नहीं था, कोई कुछ नहीं थी। बहुत वेरी गुड वेरी गुड। सो आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू अच्छा। वन मैसेज टू ऑल ऑफ द जनरल पब्लिक, क्या बोलना चाहते हो सभी को? मैं कहता हूँ बाजी, नेचुरली पॉसिबल है, बस नेचुरल जिंदाबाद। रिएक्शन दिखाना है, विश्वास दिखाना है, वो पॉसिबल है। हाँ वेरी सर गुड, मेरा यस मेरा कहना भी अखिल। यही है, मेरा हाँ कहना तो यही है कि अगर डेडिकेशन है और रास्ता सही दिखाने वाला मिल जाए ना, तो बहुत इजी हो जाता है ये सफर ना, ये जो जर्नी है, तो बहुत अच्छे से निकल बिल्कुल जाती है। अदरवाइज पता क्या होता है, अदरवाइज आप एफर्ट्स करते हो बट रिजल्ट्स नहीं मिलते ना, फिर उसका दुख लगता है सर। जी ये होता है, तो तुम दोनों मेरे को नॉलेज बताओ का कि पैटर्न जो तुमको, लिमिटेड है।
तो ये वाला जो सा कल्चर है, जो सा टीम अमेंदर का कल्चर है, ऐसा वाला कल्चर तुमने अपने लाइफ में कभी और कहीं देखा है? नहीं देखा अभी तक, नहीं अभी तक नहीं देखा, अभी तक तो नहीं देखा सर, अभी तक तो नहीं देखा। और सर सीरियसली ये जब इसका रिजल्ट देखने है ना, उससे पहले तक 90% मेरे को श्योरिटी थी कि ये फॉलो किया जा सकता है बहुत इजीली, बट फिर भी ना 10% ये था कि यार ये टफ ना हो कि वीडियो बना के भेजनी है या फिर उसको फॉलो करना है, अगर वो हमारे से गलती हो रही है तो वो हमें समझा कैसे सकते हैं। पॉइंट ये होता है कि अगर हमने सपोज गलती कर दी यहाँ पे एक्सरसाइज लगाते टाइम, तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, तो ये जो प्रोसेस है ना ये थोड़ा समझ आया। हाँ कि हाँ ये पॉसिबल है, ऑनलाइन किया जा सकता है, आपका ट्रेनर आपके साथ रहे ये जरूरी नहीं है। इतने तो प्रूफ कर दिए और अपने घर वाला प्रूफ कर दिया, अब तो घर वाले बंदे को प्रूफ कर दिया। वेरी गुड वेरी गुड। यस पुष्कर, तुम्हारी तरफ से क्या मैसेज सभी को? सभी को यही कहना चाहूंगा कि टीम अमिंदर ज्वाइन करो और एक लाइफस्टाइल में जो आप चेंज लेके आना चाहते हो वो मतलब डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एक बार रिजल्ट्स मिल गए तो फिर तो नशा हो ही जाना है, फिर छोड़ना मुश्किल है, वो तो हो ही जाना है। जैसे मैंने एक इंटरव्यू में आपकी बात सुनी थी कि दारू के नशे से ज्यादा बढ़िया नशा है कि आप टीम अमिंदर ज्वाइन कर लो, और क्या कहते हैं आपको वर्कआउट का जो नशा है वो दारू के नशे से, एक दिन मिस करोगे वर्कआउट तो अगले दिन होगा कि नहीं यार आज तो जाना ही जाना है। जैसे एक शराबी को होता है कि आज तो पीनी पीनी है, वैसे ही हो जाता है कि आज तो जिम तो जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। वेरी गुड वेरी गुड। इसीलिए टीम अमिंदर में घुसना, पहली बार घुसना बहुत मुश्किल है, पर बाहर निकलना इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं है। सही बात, इतना आसान नहीं है। बंदा कहता है कि पहले चल 3 महीने 3 महीने कर लेते हैं कोई बात नहीं, बट फिर उसके बाद नहीं निकल सकते, उसके बाद नहीं निकल सकते, उसके बाद तो जब तक गोल नहीं रीच होगा तब तक तो नहीं टिकता बंदा, कि नहीं तो अब तो रेगुलर रहना ही है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, और वंडरफुल टॉकिंग टू ईच वन ऑफ यू, गॉड ब्लेस, और ऐसी अपनी दोस्ती बनाए रखो और ऐसी तुम आपस में बिना रखो, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस है तेरे को रमन, गॉड ब्लेस है तेरे को, गॉड ब्लेस है तेरे को अखिल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ऑसम, सो थैंक यू सो मच है पुष्कर, तूने इतना सारा टाइम दिया, तेरा आज बर्थडे है, बर्थडे को अच्छी तरह एंजॉय करो, दोनों हस्बैंड वाइफ का आज 6 months की एनिवर्सरी है, गो एंड हैव नाइस डिनर, एंड टुडे इट इज योर डे, एंजॉय इट विद फुल फ्लेज, व्हाटएवर यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू सर, सी यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस। सो ये रहे हमारे पास पुष्कर, थैंक यू पुष्कर, सो ये रहे पुष्कर जो उसकी हमारे पास लुधियाना में से हमारे साथ अटैच हुए, और हमारे पास यहाँ पे ना प्रवीण भी आए हुए थे, प्रवीण प्रवीण भी आए हुए थे जो कि अपने शूट के लिए, ये देखो लिखा हुआ है मैं भी क्यू में हूं, तो प्रवीण का शूट भी जो उनसा होगा वो यहीं पे करेंगे हम अपने इस लैब के अंदर, पर लैब के अंदर बहुत दो जनों ने एक और क्वेश्चन पूछा था, हमारा जो उनसा टीम का लैब है वो गुड़गांव के अंदर है, बट ये जो लैब है वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, इट इज नॉट अ जिम, एक लैब है जहां पे हम एक्सरसाइजेस आप सभी के लिए क्रिएट करते हैं, आपको अगर कोई भी इश्यू आती है, शोल्डर पेन होता है, लोअर बैक पेन होता है, नी पेन होता है, और आप फिर भी एक्सरसाइज करना चाहते हो, तो हम उसके लिए डिजाइनिंग करते हैं आप सभी के लिए, ताकि आपकी एक्सरसाइज रुके ना, उस पर्टिकुलर जॉइंट के फोर्सेस के ऊपर कोई फोर्स ज्यादा आए नहीं है, तो हम ऐसी एक्सरसाइज और क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और आप सभी के लिए ये वाला डिपार्टमेंट जो है वो रखा हुआ है, ताकि आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन खत्म करें, यहां पे आए और हम अपनी जान लगा देंगे आपकी फोटो शूट कराने के ऊपर, क्योंकि वो लाइफ टाइम मेमोरेबल चीज होती है आप सभी के लिए, और ताकि आप एक ना वो मेमोरी लेके जाएं और उसको चेरिश करें थ्रू आउट योर लाइफ, थ्रू आउट योर लाइफ यू शुड चेरिश दैट थिंग, और उसके लिए हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, मेंटर्स बहुत सारी मेहनत करते हैं, हम सारे बहुत सारी मेहनत करते हैं, इसीलिए 1 महीना रह गया नए साल के लिए, अगले साल के लिए नहीं वेट करना है, इसी साल को ज्वाइन करना है और इसी साल के साथ अगले साल में एंटर करना है, कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी एनर्जी के साथ, अगले साल जाके नहीं ज्वाइन करना, इसी साल से ज्वाइन करके अगले साल में अंदर एंटर करना है जोश के साथ। 1 तारीख से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, 9810972683 में अप्रोच करिए और इमिजिएटली बात करिए,
और आपको हम आपके साथ खड़े होके आपकी जर्नी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और मैं आधे घंटे के लिए दोबारा आऊंगा आपका Q&A सेशन लेने के लिए। ठीक है, अभी मैं ऑफ कर रहा हूं, मैं इसको लोड कर रहा हूं, लोड करने के बाद आपके पास रूबरू होते हैं, आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं आप क्वेश्चंस ले लीजिए, और मैं अभी आपको उस क्वेश्चंस के ऊपर आधा घंटा दूंगा, एंड देन वी विल बी डन। ठीक है, थैंक यू सो मच।